ये कहानी है मायागंज की। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, आधी रात का समय था। सभी लोग नींद की आगोश में थे। दूर कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर भी अजीब सी खामोशी थी। 60 साल के सोहनलाल, जो मुर्दा घर के बाहर चौकीदारी करते थे, हर दिन की तरह वो मुर्दा घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। ठंड के दिनों में रात की ड्यूटी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तभी दूर बैठा एक कुत्ता उनके पास आता है और उनकी ओर देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्या हुआ मोती, तू इतना क्यों रो रहा है? अब जानवर तो बात करते नहीं, हाँ लेकिन अपनी हरकतों से कोई ना कोई संकेत जरूर दे देते हैं, लेकिन उस संकेत को समझना आसान काम तो नहीं। सोहनलाल बार बार मोती के रोने से तंग आ गया और उसने उसे डांटते हुए भगा दिया। अरे भाग, भाग यहाँ से, मतलब रोए जा रहा है। मोती वहाँ से चला गया, लेकिन उसने अपना रोना बंद नहीं किया। लेकिन अब वो सोहनलाल से बहुत दूर था, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। सोहनलाल को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्होंने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और मुंह में लगाने ही वाले थे, तभी उन्हें लगा कि उन्हें किसी ने जोर का धक्का दिया है। सोहनलाल कुर्सी से दूर जा गिरे। कौन है? तभी उन्हें अपने आसपास किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। सोहनलाल इधर उधर देखने लगा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। कौन कौन है, कौन हंस रहा है, सामने क्यों नहीं आते? अचानक उनके सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली एक लड़की आ गई। उसके हाथों में एक बड़ा सा कटोरा था। कौन हो तुम, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? एक कटोरा खून। खून? एक कटोरा खून दे दे मुझे, दे दे जल्दी जल्दी दे दे। खून? मैं कहाँ से लाऊंगा खून? अपने शरीर से। उसके बाद उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून सोहनलाल की गर्दन में चुभो दिए। वो दर्द से चीख पड़े। छोड़ दो मुझे। चुड़ैल ने सोहनलाल की गर्दन से निकला खून अपनी कटोरी में डालना शुरू कर दिया। जब उसकी कटोरी पूरी तरह भर गई, तो उसने वो खून पीना शुरू कर दिया। सोहनलाल अब तक बेहोश हो गए थे। खून पीने के बाद वो चुड़ैल हंसती हुई वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब सोहनलाल को होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर थे। डॉक्टर अखिल उनका चेकअप कर रहे थे। सर वो चुड़ैल कहाँ गई? सर वो खून पीती है, एक कटोरा खून। ये कहकर सोहनलाल का शरीर ठंडा पड़ गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद हर रात उस अस्पताल के बाहर ऐसी घटना होने लगी। वो चुड़ैल एक कटोरा खून मांगती और फिर इंसान के शरीर से एक कटोरा खून निकाल कर पी जाती और फिर वहाँ से गायब हो जाती। अगले दिन उस इंसान की मौत हो जाती जिसके शरीर से एक कटोरा खून निकाला गया होता। डॉक्टर अखिल, हर जगह हमारे अस्पताल की चर्चा है, अब तो लोग इस ओर आने से डरने भी लगे हैं। मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सभी लोग एक कटोरा खून की बात करते हैं, चुड़ैल की बात करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही कारण नजर आ रहा है। कुछ और कारण? मैं समझी नहीं। मुझे लगता है हमारे अस्पताल की सफलता देखकर कुछ लोग इसे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सर कौन लोग हैं वो? यही तो मुझे पता लगाना है। डॉक्टर अखिल बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने गरीबी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए वो गरीबों की तकलीफ समझते थे। उनकी माँ की मौत अच्छे इलाज के अभाव में हो गई थी। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। वे डॉक्टर बने भी। गरीबों के इलाज के लिए वो बहुत सचेत रहते और अस्पताल में आने वाले जरूरतमंद और गरीब की जितनी मदद हो सकती वो करते। अगली रात डॉक्टर अखिल अस्पताल में राउंड पर थे, तभी उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज आई। अरे ये कौन रो रहा है? डॉक्टर अखिल थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक लड़की अपना सिर झुकाए रोए जा रही। वो उसके पास गए और उससे पूछा, कौन कौन हो तुम रो क्यों रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? उनके ऐसा पूछते ही उस लड़की ने अपना सिर उठाया और उनसे कहा, एक कटोरा खून चाहिए मुझे, एक कटोरा खून दे दो मुझे, जल्दी दे दो एक कटोरा खून। डॉक्टर अखिल ने अब तक लोगों से एक कटोरा खून मांगने वाली चुड़ैल के बारे में सुन रखा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था लोगों की बातों पर। लेकिन आज सामने उस चुड़ैल को देखकर वो शॉक्ड थे। तभी चुड़ैल ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो वे पीछे हट गए और चुड़ैल से कहा, तुझे मुझे मारना है तो मार दे, एक कटोरा खून भी पी ले, लेकिन ये बता कि कल को कोई जरूरतमंद यहाँ इलाज कराने आएगा तो कौन इलाज करेगा उसका? वो बेचारा तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। क्या तो तू ऐसे रहा है जैसे कि अभी तेरे अस्पताल में लोग तड़प तड़प कर नहीं मर रहे हैं? देख, हम भगवान तो नहीं, लेकिन किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, इस अस्पताल में जान बचाने के लिए नहीं, जान लेने के लिए तुम लोग पूरी ताकत लगा देते हो। कुछ दिनों पहले ममता अपने पिता को लेकर अस्पताल आई थी। ममता के पिता ऑटो चलाते थे।
लेकिन एक दिन उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह घायल हो गए। ममता अपने पिता को लेकर इस अस्पताल में आई। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए, देखिए ना वो कितने बेसुध से पड़े हैं। डॉक्टरों ने तुरंत ही ममता के पिता का इलाज शुरू कर दिया। उनका बहुत सारा खून बह गया था, इसलिए उन्होंने ममता से कहा कि आपके पिता की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है, उनका बहुत सारा खून बह गया है। अभी फिलहाल तो उन्हें 5 यूनिट ब्लड की जरूरत है ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। आप जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम करें। पहला यूनिट ब्लड तो ममता ने ही दे दिया, उसके बाद वो बाकी ब्लड के इंतजाम में लग गई। उसने अस्पताल के ब्लड बैंक में पता किया तो वहाँ बैठे प्रीतम ने कहा, हमारे ब्लड बैंक में इस ग्रुप का ब्लड है ही नहीं। तो फिर कहाँ से इंतजाम होगा सर? मुझे क्या पता कहाँ से होगा, हमारे यहाँ नहीं है, बस मैंने ये बता दिया। साहब मेरे पिता की हालत बहुत खराब है, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण उनका बहुत सारा खून निकल गया है, वो बहुत सीरियस है, उन्हें तत्काल ब्लड की आवश्यकता है। भगवान के लिए आप ब्लड का इंतजाम करवा दीजिए ना। ममता की बातों को सुनकर प्रीतम ने कहा, देखो ये अस्पताल है, यहाँ किसी ना किसी का कोई ना कोई सीरियस है ही, फिर भी तुम इतना कह रही हो तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। जी साहब करिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं मेहरबानी के पैसे लेता हूँ। पैसे? मैं समझी नहीं। तुम्हें 4 यूनिट ब्लड चाहिए ना, है पूरे 80,000 रुपए का इंतजाम करो, मैं तुरंत ब्लड का इंतजाम कर दूंगा। प्रीतम के मुंह से पैसों की बात सुनकर ममता को झटका सा लगा। साहब ये तो सौदा है, अस्पताल में जिंदगी का सौदा करना सही तो नहीं है। देखो तुम अपना लेक्चर अपने पास रखो ठीक है, और ब्लड के पैसे ले आओ, मैं तुरंत दे दूंगा, नहीं तो यहाँ से अपने पापा की बॉडी लेकर जाना। साहब दया करिए मुझ पर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से मैं 80,000 लेकर आऊंगी। वो मुझे पता नहीं कहाँ से लेकर आओगी, मुझे तो इतना पता है कि पैसे लेकर आओगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ममता ने पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश की लेकिन इंतजाम नहीं हो सका। उसने अस्पताल में अन्य लोगों के हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की कि कोई उसके पापा को ब्लड डोनेट कर दे, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसके पापा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ममता को इस बात से इतना सदमा लगा कि उसने अस्पताल की ऊंची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करते ही वो चुड़ैल बन गई। ममता तुम्हारी कहानी दर्द से भरी है, लेकिन तुम क्यों और लोगों के जीवन में दर्द भर रही हो? मुझे बदला लेना है, बदला सबसे लेना है बदला। बदले का कोई अंत नहीं होता। आज भी इस अस्पताल में कोई ममता अपने पिता को लेकर आई हो, क्या तुम उसके पिता को मार दोगी? क्या इससे तुम्हारा बदला पूरा होगा? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं उस गलत करने वाले को छोड़ने वाला नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करके उस ब्लड का सौदा करने वाले को जेल भिजवाता हूँ। डॉक्टर अखिल ने पुलिस को फोन कर प्रीतम को जेल भिजवा दिया और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इन सब के अलावा डॉक्टर अखिल ने लोगों से समय पर ब्लड डोनेट करने की रिक्वेस्ट भी की। दोस्तों रक्तदान महादान होता है, कोई भी स्वस्थ आदमी ये कर सकता है, प्लीज रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी को बचा सकता है। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।